गुरुग्राम के लोग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कहने को तो यहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं। गुरुग्राम के पटेल नगर में सीवर का पानी आ रहा है, अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो पीने का पानी ऐसा आ रहा है जैसे सीवर का पानी। पिछले 15 से 20 दिन से पूरे इलाके में सीवर का पानी आ रहा है, जिसके चलते घर में बदबू हो जाती है। मेरा नाम सविता है। सविता जी कहाँ रहते हैं आप? पटेल नगर में। किस तरीके की समस्या आप महसूस? समस्या सबसे ज्यादा तो पानी की और सीवर की है। यहाँ पे यहाँ से अच्छा तो गांव है, बहुत ही गंदा समझ लो, इतनी गंदगी अपने देख लो। जैसे पाइप में पानी गंदा आ जाता है, बाल्टी में मांझ ले, पाइप को कौन मांझे? उसी पानी को हम फिर दोबारा भरते हैं, पीते हैं घर में। सीवर का पानी बिल्कुल, जिसे बोलते ना सीवर। इसको लेके शिकायत है आप लोगों ने? भैया वही है कि सोचे देखो ज्यादा जो करेगी शिकायत वो कर काऊंगे, वो कर काऊंगे। एक बोला तो है देखो, बोला तो ज्यादा तो नहीं कर, लेकिन आज तो हम बहुत दुखी हो गए। जब कितनी समस्या कब से बनी हुई है? इस महीने तो बहुत ही ज्यादा आई है, पहले तो 10 दिन 5 दिन 6 दिन आती। कैसे पानी यूज कर रहे हैं? खरीद के बोतल ले आते हैं और बाकी थोड़ा सा ऐसा रखते हैं, आधे घंटे चला के छोड़ते हैं, मोटर चलाते चलाते चला, जब बीच में थोड़ा साफ आता है जब भरते हैं। मेरा नाम विष्णु टांटिया है और मैं पटेल नगर में गली नंबर 1 में रहता हूँ। सर किस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पीने के पानी की है। पीने का पानी जस्ट लाइक ऐसे आ रहा है, गटर का पानी आ रहा है, और पिछले 15-20 दिन तो प्योरली गटर का पानी आ रहा है। साफ पानी इतना गंदा पानी है कि आदमी पूरे घर में बदबू हो जाती है, जैसे टॉयलेट की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। ना उस पानी से हाथ धो सकते हो आप, ना कुछ पी सकते हो। तो पीने के लिए लोग अब 20 लीटर की बोतल लाने पे मजबूर हो गए, और नहाने का भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो लास्ट में अभी कुछ अधिकारियों को संपर्क किया तो आज कुछ टीम आई है देखने के लिए, वो भी गटर क्लीन कर रहे हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई कैसे करते हैं डिपेंड करता है सर, इसकी वजह से तमाम 100% है। गटर का पानी पीने से दुनिया मरती है, तो नेचुरल है कि यहाँ बीमारियाँ तो फैलेंगी। क्या वजह है सर जो अभी तक अधिकारी प्रॉपर अधिकारियों का ये कहना है अभी ये पुरानी लाइन है, कहीं से लीकेज होगी है गटर का पानी। तो देखो गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू लेती है, दुनिया से चार्ज करती है, तो उनका काम है कि पाइपलाइन को नया डालें या कुछ भी करें, पर लोगों को मरने से तो मजबूर ना करें।